दोस्तों, ये दुनिया प्रकृति के अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्यों से भरी हुई है जो हमें हर कदम पे आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इस प्रकृति में बहुत ही खूबसूरत और कुछ असाधारण जीव रहते हैं जो अपने अंदर कुछ ऐसे तथ्य छुपाए हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आज इन्हीं में से कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। हनी बी यानी मधुमक्खियाँ। दोस्तों, मधुमक्खियों का प्रकृति संतुलन बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या आपको पता है कि अगर एक मधुमक्खी आपको एक बार डंक मार दे, उसके कुछ देर बाद ही वो खुद मर जाती है। दोस्तों, हम जो एक चम्मच शहद खाते हैं उसके पीछे 12 मधुमक्खियों की पूरी लाइफ की मेहनत होती है। दोस्तों, एक रानी मधुमक्खी एक बार में 1500 से ज़्यादा अंडे देती है और ये ऐसा महीने में 2 बार कर सकती है और ये काम करने के लिए कभी भी बाहर नहीं जाती। गोल्डफिश। दोस्तों, गोल्डफिश मछलियों की सबसे सुंदर प्रजाति होती है। इसे हर कोई अपने घर में एक्वेरियम की तरह सजा कर रखना चाहता है। दोस्तों, गोल्डफिश की 40 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं जो 70 से भी ज़्यादा रंगों में मिलती हैं। दोस्तों, अगर फैक्ट की बात करें तो गोल्डफिश को अगर आप एक अंधेरे कमरे में रखते हैं तो वो अपना रंग खो देती है। शार्क। दोस्तों, शार्क मछली बहुत ही आक्रामक और अग्रेसिव होती हैं। इन्हें मछलियों का राजा भी कहते हैं। दोस्तों, ये कितना भी सड़ा हुआ मांस खा सकती हैं और उसे आसानी से पचा भी सकती हैं। और वहीं कुछ ऐसी शार्क हैं जो 6 हफ्तों तक बिना खाए भी रह सकती हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने एक शार्क की प्रजाति जिसका नाम स्वेल है उस पर परीक्षण किया जिसने 15 महीनों तक बिना खाए सर्वाइव किया। मौत। दोस्तों, मौत तितली प्रजाति का एक छोटा कीट है। एक मेल मौत अपने फीमेल मौत साथी को 15 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकता है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसके पास नाक नहीं होती, फिर भी ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसा अपने एंटीना से अपने साथी के ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके कर पाता है। काश हम भी ऐसा कर सकते, लेकिन इसके लिए अपनी नाक गंवानी पड़ती। टंग यानी जीभ। दोस्तों, खाना किसको पसंद नहीं है। हम हर तरह के अलग अलग व्यंजन स्वाद के लिए खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मनुष्य की जीभ 1000 अलग अलग स्वाद को पहचान सकती है और मुर्गे की जीभ 24 तरह के अलग अलग स्वाद को पहचान सकती है। वहीं एक कैटफिश की जीभ 1,00,000 अलग अलग स्वाद को पहचान सकती है। लॉयन यानी शेर। दोस्तों, शेर तो जंगल का राजा होता ही है, जिसे साबित करती है इसकी दहाड़। दोस्तों, आप इसकी दहाड़ को 7 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। और शेर एक दिन में 30 किलो तक मांस खा सकता है और उसे 4 दिनों के अंदर पचा सकता है। दोस्तों, शेर के लिए 80% तक शिकार उसके झुंड की शेरणियां करती हैं। जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश समुद्र का ऐसा जीव जो बहुत ही गहराई में रहता है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और सहवास के लिए चांद की रोशनी में सतह पर आते हैं। दोस्तों, जेलीफिश की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ कैमोफ्लेज की मदद से रंग बिरंगी लाइट उत्पन्न कर आपको आकर्षित कर सकती हैं, वहीं कुछ आपको भी बना दर दे सकती हैं। इनके टेंटिकल्स बहुत ही बारीक और जहरीले होते हैं और अगर आपको चुभ जाएँ तो एक बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है। दोस्तों, जेलीफिश के मुंह को बेल यानी कुआं कहते हैं। दोस्तों, जेलीफिश ज़्यादातर छोटे आकार की होती हैं। जेलीफिश की एक प्रजाति जिसका नाम लोयन जेलीफिश है, वो काफ़ी बड़ी होती है, जिनकी चौड़ाई 7.5 फुट और लंबाई 121.5 फुट तक होती है। बम्बलबी बैट। दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवी ट्रांसफॉर्मर की हीरो कार बम्बलबी का नाम तो सुना ही होगा। वहीं चमगादड़ की एक छोटी प्रजाति है जिसका नाम भी बम्बलबी है। दोस्तों, ये बम्बलबी बैट दुनिया के सबसे छोटे स्तनपायी जीव हैं, जिनके नवजात बच्चों का वजन 1 सिक्के के बराबर होता है। हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत चिड़ियां हैं। इन्हें आप पूर्ण शाकाहारी भी कह सकते हैं, जिसका कारण है इनकी चोंच का ना खुलना। इनकी चोंच एक नलीदार पाइप जैसी होती है, जिसके कारण ये सिर्फ फूलों के रस को ही चूस पाती हैं। दोस्तों, ये अकेली एक ऐसी चिड़िया है जो उड़ते हुए आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जा सकती है। ये अपने पंख इतने तेज़ी से फड़फड़ाती हैं कि अगर ये लगातार 2 मिनट भी उड़े तो इनकी मौत हो सकती है।
तो हमिंग बर्ड के अंडे बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका आकार एक छोटी मटर के दाने जितना होता है और उनका वजन 2.268 ग्राम होता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बना सकूं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई भी खामियां दिखें तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं उसे अगली वीडियो के लिए सुधार सकूं। धन्यवाद दोस्तों।